नमस्कार, मैं राम प्रजापति भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। तो कुछ मैंने कविताएं यहाँ आकर लिखी हैं, वो आपके बीच में समर्पित करता हूँ। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, भगत सिंह आजाद के वंशज वाली ये पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, वही अपने घर में होते परेशान है। सोना चांदी कांस से भर दी है माँ की गोद, उन माँ के लाडलों पर होता अत्याचार है। क्यों इनको भूल रहे हैं, क्यों इनको भूल रहे हैं, देश के कर्णधार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। अच्छे दिन लाने का वादा तुमने किया, अच्छे दिन लाने का वादा तुमने किया, जाने कैसे कैसे दिन देखने को आ गए। जय जवान जय किसान नारों को लगाने वाले, देश के खिलाड़ियों का हक तुम खा गए। देश का मान बढ़ाने वाले, देश का मान बढ़ाने वाले हीरो है परेशान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। मोदी जी क्या मजबूरी है, पीएम साहब क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है, मन की बात जरा दिल से बताइए। मोदी क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है, मन की बात जरा दिल से बताइए। सर आप मन की बात बहुत करते हैं, थोड़ा दिल की बात भी करिए हमारे बीच, क्यों दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मन की बात जरा दिल से बताइए। देश की जनता जाग उठी है, देश की जनता जाग उठी है, मच गया हाहाकार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, भगत सिंह आजाद के वंशज वाली ये पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। मैं इन्हीं शब्दों से आपका आह्वान करता हूँ कि देश को आपकी ज़रूरत है, आज खिलाड़ियों को आपकी ज़रूरत है। आप यहाँ पर हैं, वहीं से अपना प्रोटेस्ट करिए, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई भी जगह आप लोगों से चर्चा करिए। क्योंकि आज आप यदि हम इनके साथ खड़े नहीं हुए ना, आने वाली पीढ़ियाँ कहीं ना कहीं हमको बोलेंगी कि आप अन्याय के खिलाफ नहीं थे ना, कहीं ना कहीं आप गुप्त रूप से उनका साथ दे रहे थे। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा आग्रह है, आप इस आंदोलन का सपोर्ट करिए। समझ में नहीं आ रहा, आपने अपनी कविता में कहा कि रेसलर्स जो देश के पहलवान हैं उनका हक मार लिया गया, कैसे सर? हाँ, ऐसा है कि आज हमारे ये क्यों, आज खिलाड़ियों के यहाँ क्यों बैठना पड़ रहा है, जो इनका एक हक था, जो एक इनको सम्मान मिलना चाहिए, कहाँ सम्मान दिया आपने, और उनका आपने सम्मान ही छीन लिया। आज हमारी बहनें बोल रही थी हमारे साथ कैसे कैसे इन्होंने अत्याचार किए, आज हमको यहाँ बैठने का मजबूर होना पड़ा। ये हक ही तो था, एक सम्मान का हक था, वो आप खा गए। तो इसी कारण मैं बोलता हूँ कि आपकी ऐसे देश का जो पूरे दुनिया में, दुनिया के 200 देशों में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का आप हक खा गए हैं और उनका सम्मान आपने छीन लिया है, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। लेकिन सर FIR तो दर्ज हो गई। भैया FIR तो कई दर्ज हो गए इससे पहले, गिरफ्तारी मैंने आप गिरफ्तार करिए उनको, है ना, तभी तक हम यहीं डटे रहेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। शुक्रिया, बात बहुत बहुत धन्यवाद।